So let's do some simple numericals based on the Coulomb's law. The first numerical is if we have two charges, okay? For example, let's suppose we have two point charges. This is Q1 and this is Q2. These are separated by some distance, for example, R. Okay? So question ye hai ki agar मैं इन दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसको डबल कर लूं, ठीक है, इफ आई विल डबल द चार्जेस और जो ये डिस्टेंस इनके बीच में है उसको भी डबल कर लूं, तो जो इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा, यानी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वही निकालना है हमें. वे टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. If the magnitude of charges is doubled and the distance between the two charges is doubled, उस केस में हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक. तो उसके लिए वी नो हमारे पास कोलंबस लॉ होता है, दैट इज एफ दैट इज इक्वल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज अ कोलंबस लॉ वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट, Q1, Q2 are the product of the magnitude of the charges and R is the distance between them. ठीक है, अब let this be equation first. अब जो हमें नया फोर्स निकालना है ना, let that new force is F prime. ठीक है, so F prime this will be equal to K. अब जो Q1 है ना, नए केस में मैंने क्या किया है, नए केस में मेरे पास Q1 के बजाय 2Q1 है, बिकॉज अब मुझे जो चार्ज है ये डबल करनी है. सो आई विल राइट इंस्टेड ऑफ Q1 आई विल डबल इट, आई विल राइट 2Q1. ठीक है, इसी तरह चार्ज Q2 को भी मैं डबल करूँगा. सो इंस्टेड ऑफ चार्ज Q2 आई विल राइट नाउ 2Q2. ठीक है, और मुझे क्या डिस्टेंस को भी डबल करना है, अगर डिस्टेंस R थी अब मैं 2R लिखूँगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर पूरा स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज द न्यू फोर्स व्हेन आई हैव डबल द चार्जेस एंड व्हेन आई हैव डबल द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस विल बी इक्वल के, के इज द कॉन्स्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस टू एंड दिस टू, दिस विल बिकम 4 एंड Q1 Q2 रिमेन एज इट इज, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड R स्क्वायर इज एज इट इज. ठीक है, सो नाउ दिस 4 एंड दिस 4 विल गो, वी ऑब्टेन K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इफ यू लुक एट द इक्वेशन फर्स्ट, इट इज द सेम थिंग, है ना, एंड दिस सेम थिंग, दिस इज इक्वल टू फोर्स F. So this thing is equal to force F. So what we found, our new force is exactly equal to the initial force. यानी जो अभी इनके बीच में जो force है, अब अगर मैं charge को double कर लूँ, distance को double कर लूँ, तो force भी कोई effect नहीं पड़ेगा. ठीक है, so this is how you calculate this type of problem. ठीक है, दोनों को double करो या 3 times करो या 4 times करो, चार्जेस को भी 3 times 4 times कर लो, डिस्टेंस को भी 3 times या 4 times या 5 times कर लो, एंड यू विल ऑलवेज सी फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स विल बी सेम. ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक और प्रॉब्लम है. ठीक है, इसको मैंने लिखा है चार्जेस एट इक्विलिब्रियम. इसमें हमें क्या करना होता है, दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें क्या करना होता है, बेसिकली मेरे पास दो चार्जेस हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास. ठीक है, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस एक्स. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक और चार्ज है, फॉर एग्जांपल प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता नहीं है, जस्ट इट इज़ अ चार्ज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इसको कहाँ पर रखना है ताकि ये जो चार्ज है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. पहला क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज जो है इसको मैं कहाँ पर रखूँ ताकि ये जो है इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, और दूसरा ये है कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि ये तीनों चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में हो जाए. ठीक है,
So I will repeat. Where should I place this charge? Where should I place this charge so that it will be in equilibrium? And what should be the magnitude of this charge so that all the three charges are in equilibrium? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है. तो इसको करने के लिए क्या करना है हमको, क्या समझना है हमको? पहली बात, हम इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय चार्जेस एट इक्विलिब्रियम? ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास चार्ज क्यू है. इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये तब इक्विलिब्रियम में होगा जब इस पे जो नेट फोर्स है ना, दैट नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो. यानी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी हम चार्जेस की बात करेंगे. सो चार्जेस आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? इट मीन्स जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो. उस चार्ज पे जो नेट फोर्स होना चाहिए, डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन वी कैन से दिस चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करेंगे कि इसकी पोजिशन कहाँ पर, यानी हम इस चार्ज को कहाँ पर रखेंगे ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए. इट विल बी एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे इस चार्ज को ला के सीधे इसको सेंटर में रखेंगे. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है ना, ए टू बी जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्स, और अगर हम चार्ज को हम सेंटर में रखेंगे, सो दिस डिस्टेंस विल बी एक्स बाई टू एंड दिस डिस्टेंस विल बी एक्स बाई टू. सो इट इज इक्वली सेपरेटेड फ्रॉम बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. इस इलेक्ट्रॉन से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है हाफ ऑफ एक्स है, और इस इलेक्ट्रॉन से इस चार्ज की जो डिस्टेंस है, डेट इज हाफ ऑफ एक्स. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, अब आप देखोगे. मैंने बोला कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, देन इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए, डेट मस्ट वैनिश, डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अब हम देखेंगे इस पे नेट फोर्स कितना होगा. ठीक है, पहले हम देखेंगे इस वाले चार्ज पे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना फोर्स होगा. ठीक है, तो इसको ज़रा कैलकुलेट करेंगे कूलम्ब्स लॉ के जरिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल सी एफ वन. ठीक है, सो एफ वन इज द फोर्स, और आई कैन राइट एफ ए, बेटर टू राइट एफ ए. एफ ए इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एट ए. इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स है, सीधे हम कूलम्ब्स लॉ को यूज करेंगे. डेट इज सम क्यू है ना, सॉरी के, क्यू वन क्यू टू. क्यू वन के बजाय माइनस ई है, क्यू टू के बजाय प्लस क्यू है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, डेट इज एक्स डिवाइडेड बाई टू. उसका स्क्वायर लेते हैं हम, डिस्टेंस स्क्वायर. ठीक है, ओके. अब ये तो हो गया फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसका नाम मैंने एफ ए रखा है. अब मैं इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स है, सो उसको मैं रखूंगा नाम एफ बी. डेट विल बी इक्वल अगेन बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, डेट इज के क्यू वन क्यू टू. अगेन दिस क्यू वन इज हेयर माइनस ई, क्यू टू इज द चार्ज इट सेल्फ, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डेट इज एक्स बाई टू होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. सो जो एफ ए होगा, इसकी डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एफ ए. इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, उसकी डायरेक्शन भी ऐसे होगी, डेट इज कॉल्ड एफ बी. ठीक है, और यहाँ से हमने देखा ये जो एक्सप्रेशंस हैं, दीज आर एग्जैक्टली इक्वल एक्सप्रेशंस. दैट सिंपली मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. सो हियर वी गॉट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. सो दोनों फोर्स इस चार्ज पे जो दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है ना, वो अपोजिट है. ठीक है, इसकी डायरेक्शन यहाँ से है और इस एफ की डायरेक्शन यहाँ से है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों इक्वल है. सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, नेट फोर्स इज एफ ए माइनस एफ बी, एंड दैट विल डेफिनेटली बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसका मतलब इस चार्ज पे जो नेट फोर्स है, दैट इज जीरो. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट ये जो चार्ज है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम. लेकिन कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब मैं इसको सेंटर पे रखूंगा. अगर मैं सेंटर से थोड़ा राइट जाऊं या थोड़ा लेफ्ट जाऊं, देन इट वोंट बी एट इक्विलिब्रियम दैट टाइम. ठीक है, तो सेंटर पे रखूंगा
तभी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, सो थोड़ा इसको रिपीट करेंगे, मेमोराइज करेंगे। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हेयर, अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूँ तो आप बस ये चीज़ मेमोराइज कर ले कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, दो इक्वल चार्जेस हैं, चाहे वो नेगेटिव चार्जेस होंगी या चाहे पॉजिटिव चार्जेस होंगी, दो इक्वल चार्जेस होनी चाहिए और एक तीसरी चार्ज, ठीक है, आपको उन दो चार्ज के बीच में रखनी है ताकि वो वाली चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में होगी। तो आप आंखें बंद करके सीधे उसको कहाँ पर रखेंगे, सेंटर पे। ठीक है, वेन एवर वी हैव टू इक्वल चार्जेस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव वी कैन प्लेस अ थर्ड चार्ज एट द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस सो दैट दिस थर्ड चार्ज विल बी एट इक्विलिब्रियम एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सो जस्ट मेमोराइज इट, है ना। तो यहाँ पर भी हमने देखा, मैंने कैलकुलेट करके दिया आपको, द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो सो दिस चार्ज विल बी एट इक्विलिब्रियम सो यू हैव टू जस्ट प्लेस एट सेंटर। आप इस चार्ज को सीधे सेंटर पे लाओ, लेकिन कंडीशन ये है कि जो वो दो चार्जेस हैं वो दो चार्जेस मस्ट बी इक्वल, है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो तीसरी चार्ज आपको डेफिनेटली कहाँ पर रखनी है, सेंटर पे, सो दैट दिस थर्ड चार्ज विल बी एट इक्विलिब्रियम, दिस इज प्रूव्ड। तो ये तो किया हमने पहला वाला पार्ट, जो हमें पोजीशन निकालनी थी, पोजीशन तो निकाली हमने, पोजीशन यही है कि हमें इसको सेंटर पे रखना है। अब हमें वैल्यू ऑफ क्यू, इस चार्ज का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो कितना होना चाहिए ताकि ये तीनों चार्जेस जो हैं इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चार्ज माइनस ई है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे कितना फोर्स है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इसी इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है ड्यू टू द अदर इलेक्ट्रॉन, उन दो फोर्सेस का हम सम निकालेंगे, डैट शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन जो ए पे है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो अगेन द सेम कंडीशन इज देयर कि इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए डैट मस्ट बी जीरो। तो नेट फोर्स होने का मतलब क्या है, इस वाले का जो ये चार्ज है इसका फोर्स कितना होगा, ठीक है, और इसका फोर्स कितना होगा, उन दोनों का अगर आप सम करोगे डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, डेट इज व्हाट आई मीन टू से नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं करने जा रहा हूँ, अगर मैं चाहूँगा कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो देन आई हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन आइदर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो डेफिनेटली दिस विल आल्सो बी एट इक्विलिब्रियम बिकॉज डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, लिहाजा मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा, आप चाहो तो इस इलेक्ट्रॉन भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन भी ट्राई करूँगा, मैं देखूँगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पर जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स का मतलब इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स है और इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स है, उनका सम करूंगा मैं, डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और डेट इज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही मैं लिखने जा रहा हूं, सो डेट मींस द फोर्स एफ ए, ठीक है, एफ ए हियर फोर्स, चलो मैं एफ ए नहीं लिखूंगा, आई विल राइट सम एफ वन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एफ वन इज द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ Q1 के बजाय माइनस ई, Q2 के बजाय प्लस क्यू, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस जो है डेट इज x बाई टू, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में लेना है। ठीक है, ये हो गया F1। अब F2 निकालेंगे, ये तो हमने निकाला F1 की, इस चार्ज की वजह से इस पे इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है। अब हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है, उस फोर्स का नाम मैं रख रहा हूँ F2। ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ Q1, Q1 इज माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस ई, Q2 इज अदर इलेक्ट्रॉन माइनस ई, डिवाइडेड बाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज टू बी एट इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम होगा देन द एडिशन देन द सम ऑफ दीज टू फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, हियर F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसका मतलब नेट फोर्स इसमें जीरो होगा,
तो वही कंडीशन मैंने लगाई, मैंने अज्यूम किया कि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, एंड नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द चार्ज, इस प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, इफ दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो वो मैंने कंडीशन लगाई, दीज टू फोर्सेस, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स है, प्लस इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे कितना फोर्स है, उनका सम निकालेंगे, डेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लगाई, तो नाउ इन दो एक्सप्रेशन को मैं सम करूँगा, एफ वन के बजाय ये वाले एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इट इज़ के, इट इज़ के माइनस ई इंटू क्यू, है ना, डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू होल स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। प्लस करेंगे ये वाला फोर्स, इट इज के माइनस ई इंटू माइनस ई, डेट इज ई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो दिस के एंड दिस के विल गो, ठीक है, एंड आई कैन राइट हेयर इम्प्लाइज इस वाली टर्म को ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे रखूँगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म है ना, माइनस है यहाँ पर, तो ये टर्म जब यहाँ चली जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, सो इट विल बी क्यू ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है। इस टर्म को मैंने अपनी ही जगह रखा, ये वाली टर्म चूँकि नेगेटिव है इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस वन ई एंड दिस वन ई विल गो, ठीक है, दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर विल गो, दिस फोर विल कम टू द न्यूमरेटर, ठीक है। सो वी गॉट हियर ई इज इक्वल टू दिस फोर विल कम टू द न्यूमरेटर, फोर टाइम्स क्यू, लेकिन हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, सो दिस क्यू विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई फोर। सो दिस इज अ कंडीशन, यानी we found the magnitude of charge, we found the magnitude of charge q, so that all the three charges must be at or should be at equilibrium. To iska charge, iska magnitude kitna hona chahiye, electron ka chautha hissa, theek hai, electronic charge divided by 4, theek hai. So this is the condition which we actually seek, which we actually need, theek hai. Isi tarah mere paas teesra question hai. Teesra question ye hai, मेरे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, आई हैव टू चार्जेस, तो कौन से चार्जेस हैं, मेरे पास दो प्रोटॉन्स, दिस इज वन प्रोटॉन, दिस इज अनदर प्रोटॉन, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है, एंड माय क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस कितनी होगी इफ इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स है दैट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अगेन आई विल राइट कूलम्ब्स लॉ, एफ इज इक्वल टू सम के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास दो चार्जेस हैं, कौन से दो चार्जेस हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, दो प्रोटॉन्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है और उनके बीच का जो फोर्स है दैट इज f, लेकिन ये f जो है इट इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आई कैन राइट दिस f इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो वेट इज इक्वल टू m इनटू g, वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सो f इज इक्वल टू m g, दिस विल बी इक्वल टू सम k into q1 q2, your q1 it is protonic charge, q2 that is also protonic charge, and you know the charge of a proton, hai na, so I will write q1 q2 divided by r square, theek hai, aur implies mujhe r square nikalna hai na, to filhal main kya karunga, I will write down the values of the corresponding quantities, ठीक है। सो m, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 31 केजीज,
g is the acceleration due to gravity. You know, it is 9.8 meter per square second, and in numericals we normally take it 10 meter per square second. इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओनली टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन. ठीक है, तो मैं इसको g को 10 लेता हूँ यहाँ पर. यू कैन टेक इट 9.8, इट इज़ नो प्रॉब्लम. ठीक है, सो यू आई टेक g इज इक्वल 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज इक्वल k. यू नो k इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट. k इज इक्वल 1/4 pi epsilon naught. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो आई वुड राइट के बजाय यहाँ पर 9 × 10⁹ लिखता हूँ. Q1 इज अ प्रोटोनिक चार्ज, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹. अगेन Q2 इज अ प्रोटोनिक चार्ज, इट्स 1.6 × 10⁻¹⁹ एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, मुझे आर स्क्वायर निकालना है. सो आई विल शिफ्ट दिस आर स्क्वायर टू द LHS. सो दिस आर स्क्वायर विल बी इक्वल, ठीक है, यहाँ पर देखो आप 9 × 1.6 × 1.6 × 1.6 है ना, 9 × 1.6 × 1.6. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये यहाँ से 9.1 × 10 आएगा, 9.1 × 10 नीचे आ जाएगा. ठीक है, और ये ऑर्डर वाली टर्म है, ये भी यहाँ नीचे आ जाएगी. ठीक है, सो इट विल बिकम इज 10⁻⁹. दिस इज 10⁻⁹. दिस इज 10⁻⁹. ठीक है, डिवाइड हो जाएगा 10⁻³१. ठीक है, तो यू विल सी दिस आर स्क्वायर विल बी इक्वल, यहां पर देखो अब दिस इज -19 एंड -19, दैट इज -38. ठीक है, और ये जो 10⁻³१ है ना, ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सो इट विल बिकम 10⁻³±31. यहां से मैं कट करूंगा. ठीक है, इसको मैंने ऊपर लिया है, तो अब क्या हो गया, 31 + 9, यू नो दैट इज कॉल्ड 40, एंड -19 - 19, दैट इज कॉल्ड -38. सो इट इज बेसिकली 10⁻⁴० - 38, एंड दैट इज कॉल्ड 2. ठीक है, तो इन सब चीजों के बजाय क्या आएगा, 10⁻² ठीक है. और अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे यूजिंग योर कैलकुलेटर, वी कैन फाइंड आउट दिस इज इक्वल टू 0.25. दिस होल थिंग इज इक्वल 0.25 × 10⁻². ठीक है, और दिस इज इक्वल 0.25 × 10⁻². 10⁻², मीन्स 100, राइट? सो इफ यू मल्टीप्लाई 10⁻² 100 विद 0.25, यू विल गेट ओनली 25. ठीक है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल 25. दैट सिंपली मीन्स आवर आर विल बी इक्वल, यहाँ पर रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 25. ठीक है, एंड रूट ऑफ 25 इज इक्वल 5. सो वी गॉट आर इज इक्वल 5 meters. सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस. अगर दो प्रोटॉन्स, ठीक है, 5 meters की दूरी पे रखेंगे, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.